छत्तीसगढ़ कांग्रेस जेके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन पर ग्रैंड न्यूज के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। ये तय हो गया था कि 45 साल की उम्र के लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स टीका लगाने की जवाबदारी केंद्र सरकार की, भारत सरकार की है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 लाख लोगों को इन तीन कैटेगरीज में टीका लगाया जा चुका है। ये भी तय हुआ कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं, जो दूसरी लहर का वायरस से ये इनको भी संक्रमित कर रहा है, इनके टीकाकरण की जो जवाबदारी है वो राज्य सरकार की है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु जो टीका कंपनियाँ हैं उनके पास जाकर पूरा एडवांस पेमेंट करके 8 करोड़ से ज़्यादा टीका उठा चुके हैं। और हमारी सरकार 16 अप्रैल को ये निर्णय हुआ था, इन्होंने ऑर्डर 29 अप्रैल को दिया और ऑर्डर भी ऐसे दिया कि केवल जुबानी जमा कर टीका कंपनियों ने कोई पैसा नहीं दिया। 3 मई को जाकर जब मैंने पूछा कि आपने जो ऑर्डर दिया है उसका कोई प्रमाण है, कोई पैसा दिया है आपने, टीका कंपनी ने कोई डिलीवरी शेड्यूल दिया है क्या आपको, तब जाके इन्होंने 12.5 करोड़ रुपया रिलीज किया। सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं भी या नहीं। जो बार बार बैठ के ये नारे लगा रहे हैं कि मोदी टीका दो, मोदी टीका दो, तो मोदी जी ने तो जो टीका देना था दे दिया। अब ये जो 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण है उसकी जवाबदारी मोदी जी की नहीं है, भूपेश बघेल जी की है। और क्या वो ये जवाबदारी पूरी करने की इच्छा शक्ति रखते हैं? क्या उनके पास केवल इच्छा शक्ति है और संसाधन नहीं है? मेरा ये आकलन है कि प्रदेश के जो 1.5 लाख नौजवान हैं जो 18 से 44 साल की कैटेगरी में आते हैं, 1.5 करोड़ जो ये इस कैटेगरी के लोग हैं, उनको 3 करोड़ खुराक लगनी है, 2 खुराक की। इसका कुल खर्च है 900 करोड़। ये कोई बड़ी बात नहीं, जितनी ये शराब बेचते हैं उसकी आधी की आधी कमाई भी अगर खर्च कर दें तो भूपेश बघेल जी बड़े आराम से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगा। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है इसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा। पर ये कहना कि मोदी जी टीका लगाएंगे तो ये तो अपनी जवाबदारी से था। किसानों को बड़े दुख की बात है, उन्होंने बोनस देने की बात कही, सहयोग राशि या समर्थन मूल्य वो किश्तों में नहीं दिया। अभी किसानों को जरूरत है तो जो धान अभी प्रयास उसका जो बोनस के आया राशि है तत्काल किसानों के खातों में जमा कर दिया। साथ ही करीब 750 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत किसानों का, ग्रामीणों का मजदूरी का भुगतान भी बताया, वो भी तत्काल दे देना चाहिए। और जो हर चुनाव में राहुल गांधी जी बोलते हैं, 2014 के चुनाव से लेकर अभी तक हर चुनाव में उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम न्याय योजना लागू करेंगे, सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में हर महीना 6,000 रुपया देंगे। पर दुख की बात है कि किसी भी राज्य ने उनको ये मौका नहीं दिया, उनकी सरकार कहीं बनी नहीं। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, कोरोना की कहर सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के ऊपर है। ये एक सुनहरा अवसर
अवसर है न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में लागू कर देना चाहिए। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है, टीकाकरण के साथ साथ एक तो किसानों को बोनस, मजदूरों का जो मजदूरी बताया है और न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया जीवन यापन होगा। सभी मामलों में तीन तारीख हो रही है, फंड नहीं है, बिना फंड के दे मुझे तो समझ में नहीं आता, इतना पैसा है, इतना पैसा है। 2001 में जब भारत सरकार ने मना कर दिया था छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदने, तो मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने दम पर छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा। तब हमारा प्रदेश का जो कुल बजट था 4,000 करोड़ था, अभी तो वो बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया। केवल जो दारू की कमाई से आबकारी शुल्क वसूला जा रहा है, हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपया आबकारी शुल्क के रूप में सरकार दारू बेचकर वसूलती है। टीका के लिए तो केवल 900 करोड़ की जरूरत है, 900 करोड़ में आपके पास 3 करोड़ डोज, 3 करोड़ खुराक यहाँ आ जाएगी। आपको तो केवल जगह जगह सेंटर खोल के और लोगों को टीका लगाना है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो सरकार की नियत नहीं, सरकार नहीं चाहती है टीका लगाना, यही साफ साफ दिखा है। और ऐसा क्यों नहीं चाह रही है, ये समझ से परे है। अभी जब कोरोना काल चल रहा है, कुछ ही कोरोना चालू हो गया, उसके बाद जो अभी बजट सरकार ने रखा, उसमें 7,000 करोड़ का प्रावधान नया रायपुर के लिए किया गया, नया राजधानी बनाने के लिए। 900 करोड़ का तो केवल नया विधानसभा भवन बन रहा है, 100 करोड़ का मुख्यमंत्री निवास बन रहा है। क्या ये जरूरी है या लोगों को टीका लगा? एक तरफ तो मोदी सरकार की खूब आलोचना कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, जब पूरा देश कोरोना की चपेट में है। तो यहाँ पर यहाँ की सरकार भी तो वही काम कर रही है, जो जो लोगों के घर शीशे के बने होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए दूसरे लोगों के घर। जो 900 करोड़ रुपये का आप विधानसभा भवन बना रहे हैं, नया विधानसभा भवन, क्या इसकी आवश्यकता है? क्या अभी नई राजधानी की आवश्यकता है कि 7,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित कर दिया, या फिर 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगा दिया? प्राथमिकता सरकार की क्या, ये तय करें। टीकाकरण क्या दवाई देना प्राथमिकता है या दारू देना प्राथमिकता है, ये तय करें।